क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? कहाँ विरोध हुआ अखिलेश जी का? अखिलेश जी नहीं आए रामपुर चुनाव में, नहीं खबर थी खाली। अखिलेश जी ने तो कभी हमसे नहीं कहा कि हम रामपुर आ रहे हैं। नहीं, आपके आने से पहले चर्चा थी? नहीं चर्चा, नहीं चर्चा नहीं थी कोई ऐसी। रामपुर में समाजवादी पार्टी से दो नामांकन भरे गए थे, एक आपका एक आसिम राजा का। आसिम राजा का जो पर्चा है वो निरस्त हो गया है, और चूँकि उनके पर्चे पे जो सूचना दी गई है उनके पर्चे पे पार्टी का सिंबल नहीं था, एक फॉर्म होता है फॉर्म ए एंड बी वो अटैच नहीं था, और आपका नामांकन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो अब आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कि दो दो नामांकन क्यों भरे गए थे? नहीं, मैं इसमें क्या कहूँ, जब उनको उनके पास पार्टी के सुप्रीमो ने उनको परमिशन नहीं दी थी, उनके पास लेटर नहीं था, तो उनकी मर्जी थी, उन्होंने भरा, मैं अब क्या कहूँ। अच्छा, रामपुर में जो आजमवादी लोग हैं उनको कैसे मनाएंगे आप? तो देखिए, मैं कोई ग्रुप नहीं समझता, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी एक इकाई है रामपुर में, सब लोग जो है वो एक साथ ही लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं वो जनाब अखिलेश यादव सिंह जी हैं। अखिलेश यादव साहब, आपको इस सीट से कितनी उम्मीदें लग रही है रामपुर से? 101% इंशाल्लाह। 100% मैं जिस तरह से लोगों के पास जा रहा हूँ और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उनकी आंखों में जो यकीन और चेहरे पर उनके जो सुकून नज़र आ रहा है, उससे मेरा हौसला और बढ़ रहा है, मेरा आज़्म और मजबूत हो गया है जीत के दिन। और मुझे ये लग रहा है कि रामपुर की आवाम मुंतजिर थी कि उसको जो है उसके बीच में उन्हीं में से कोई ऐसा आदमी आए जो उनके दिल की बात करे, उनके मसाइल को सुने, उनके हल की कोशिश करे, और शहर में एक अच्छा वातावरण लाए। हम उसकी कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें एक दूसरे का एहतराम करने, बराबरी से साथ में रहने, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय होने के नाते जो हमें हकूक दिए हैं, राइट दिए हैं, उनके मुताबिक हम एक दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव भी नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे जो है सद्भावना के साथ रहेंगे। जो देश की जान है ये चीज़ समझिए, जो आपस का प्रेम है ये सबसे बड़ी चीज़ है, मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस पर इंशाल्लाह मेहनत होगी, और फिर ये जब माहौल ठीक होता है तभी तालीम बच्चे उस अच्छे माहौल में हासिल करते हैं। अच्छा, क्या रोड मैप अब आपके द्वारा तैयार किया गया है? सबसे अहम मुद्दा रामपुर का क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, रामपुर का और जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो सब लोगों से मालूम हो रहे हैं, बहुत से मसाइल हैं, किसानों के अलग मसाइल हैं, और जो लोग पेंशन याफ्ता हैं उनके अलग मसाइल हैं, ख़वातीन के अलग मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल बेरोज़गारी है, बच्चों के मसाइल तालीम है। अच्छा, ये जो मसाइल है सेहत के लिए, अच्छे जो जिस तरह से क्लिनिक होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, सेहत के मराकज होने चाहिए, वो भी कमी है उनकी। अच्छा, आज़म खान का गढ़ रहा है ये, और क्या आपकी मुलाकात आज़म खान से हुई है रामपुर के चुनाव को लेकर? किस तरह से सपोर्ट करेंगे वो आपको? मेरी मुलाकात नहीं हुई, और मुझे उम्मीद है कि ज़िला रामपुर के सभी लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट और ताबून। अच्छा, समाजवादी की ये जो टिकट की रार है या यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो नज़र आ रही है, जगह टिकट बदले गए हैं मौके पर। इसका जो है जो पार्टी के टिकट जिनको पार्टी ने सिंबल दिया था समाजवादी ने, उन्हीं का टिकट हुआ है, तो इस रार का जो मुस्लिम मतदाता है उस पर क्या असर आएगा? और आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मतदाता है कहीं ना कहीं उसका समाजवादी पे से विश्वास हट गया है ना इस रार को लेके? नहीं नहीं, ऐसा जो कला है इसका मटका ना, ना ऐसी कोई चीज़ नहीं। कुछ लोगों ने ये चीज़ पैदा की है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। पार्टी में एक डिसिप्लिन है, और जो हमारी सीट को लेकर सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने, जो प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीमो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो स्टेप लिया कि मैं एक देश के लिए एक उदाहरण, एक इमाम को लाऊं, एक शरीफ इंसान को लाऊं जो सब धर्मों का सम्मान भी करे और इंसानियत और इंसानों के हकूक़ की बात करे, और जो है वो ईमानदारी के साथ जनता के मसाइल को सुने और उस तक पहुंच आसान हो लोगों की, तो उनके इस कदम से हमारे इंतखाब के जो इस जो हमारा इंतखाब किया उन्होंने रामपुर के लिए, इससे एक पूरे एक कम्युनिटी में, पूरी बल्कि कम्युनिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों में एक मैसेज गया है। अच्छा, नहीं आज़मवादी जो समाजवादी थी रामपुर में है, वो जैसे उन्होंने पहले भी अपना रोष जताया, पहले उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें एक प्रेस नोट जारी करा कि हम रामपुर के चुनाव का बहिष्कार करते हैं, उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने पर्चा भर दिया, और अब कई सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो फिर
जो है वो आज़मवादी समाजवादी जो है वो फिर से कहीं ना कहीं विरोध में उतर रही है। ऐसे में आप रामपुर में समाजवादियों से चुनाव लड़ेंगे, आज़मवादी समाजवादियों से चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपके जो और प्रतिद्वंदी आप उनसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पूरी जनता को रामपुर की एक ही समझता हूँ, जिले की पूरी जनता को एक ही समझता हूँ। मेरे नज़दीक शहर और देहात में फ़र्क नहीं, मेरे नज़दीक कोई जाति धर्म नहीं, मैं सबको अपना वोटर समझता हूँ और सबकी सेवा के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानता, कोई पार्टी नहीं है ना, कोई नहीं पार्टी। आपकी टक्कर में कौन है? कोई टक्कर में नहीं, मेरी कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, ये आज़मवादी जो समाजवादी रामपुर में है, इससे कैसे लड़ेंगे आप? जो विरोध कर रही है, नहीं नहीं, मुझे आपके सामने मुझे आपके जरिए से पता चल रहा है, मुझे ऐसा कुछ सिंबल आपको दिया था पार्टी ने, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी से दो पर्चे भरे गए, ये तो आपको पता है। नहीं, उनका इख्तियार है, हर एक आदमी की मर्जी है। समाजवादी पार्टी उन्होंने लगाया ना उसे, तो वो जाने उसका, उनको उसके बाद उनका पर्चा खारिज भी हो गया। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादियों से कैसे लड़ेंगे? नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है कि आदमी से गलती हो जाती है, उसके बाद गलती के बाद उसकी तलाफी भी हो जाती है, अगर कोई गलती होगी इस बार तलाफी भी होगी इस बार।